हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैश एंड पिंक्स। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ इस पैलेट का रिव्यू। ये है ब्यूटी डेज का रिवर्सल पैलेट। इसको मैंने बाय किया था लगभग एक साल पहले अपने वेडिंग के टाइम पे, और इसको मैंने काफ़ी यूज़ किया है। सो मुझे लगता है कि अभी इसका रिव्यू करना बनता है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल में न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल बटन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस वीडियो के मिल सके। और ज़्यादा बात नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो हमारा पैलेट है वो कुछ इसी तरीके से पैक आता है। ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग की तरह है और इसमें आपको मिलेंगे 40 शेड्स विद ग्लिटर्स, शिमरी शेड्स, मैट शेड्स, एवरीथिंग आपको इस पैलेट में मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आपको एक फिल्म मिलेगी जो कि ट्रांसपेरेंट फिल्म होगी। मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया है सो मुझसे मिस हो गया है, दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू मेक यू सी दैट। बट इसमें एक फिल्म होता है एंड ये कुछ इस तरीके से क्लोज होता है। बहुत स्लीक सी पैकेजिंग है, ईजी टू कैरी है। एंड अगर आप शेड्स की बात करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 4 ग्लिटरी शेड्स विच आर रियली गुड। आपको मिलता है ब्लू, देन आपको मिलता है मरून कलर, एंड देन आपको गोल्डन सिल्वर, जो भी चाहिए होता है ब्राइडल लुक के लिए वो आपको मिल जाता है। तो डेफिनेटली मैंने इसको बाय इसलिए किया था ताकि मैं अपने ब्राइडल मेकअप में इसको यूज़ कर सकूं। एंड देन आपको यहाँ पे शिमरी शेड्स भी मिलता है। यहाँ पे आपको 11-12 शिमरी शेड्स भी मिलते हैं एंड देन मैट शेड्स भी हैं। यहाँ पे आपको कलर का बहुत अच्छा ब्लेंड मिलता है, लाइक यू आर गेटिंग ब्लू, देन यू आर गेटिंग ग्रीन और पर्पल है, येलो है, ऑरेंज शेड्स हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कलर्स का ब्लेंड है जो कि अच्छा है और आपको बहुत यूजफुल रहेगा अगर आप मेकअप कर रहे हो। इसका आपको टेक्सचर की बात करूँ तो टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्मूथ है, एकदम स्मूथली ग्लाइड होता है आपकी आईलिड्स में। लाइक मैंने अभी भी इसको यूज़ किया है और इससे मेकअप लुक भी शेयर किया है इसका। सो डेफिनेटली आप उसको भी चेक कर सकते हो देखने के लिए कि हाउ इट इज़ वर्किंग। इसका जो कलर पे ऑफ है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी आईलिड्स में। कलर बहुत ही सुंदर तरीके से ब्लेंड होता है, लाइक आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता एंड कलर दिखता भी है। थोड़े से हल्के शेड्स होते हैं, उनकी विजिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, बट इसका पे ऑफ और विजिबिलिटी बहुत अच्छा है। नाउ ये जो शेड्स है इसमें से कोई भी शेड्स चौकी नहीं है, यू विल नॉट फाइंड चौकी शेड्स, जो पाउडर भी नहीं है एक्चुअली और एकदम कंप्लीटली क्रीमी भी नहीं है। इट इज अ वॉटरी कंसिस्टेंसी का है ये जो ग्लिटर शेड्स है, जिसके लिए आपको कोई गम नहीं चाहिए होता और ये बहुत आराम से स्टिक हो जाता है फिंगर की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से, वट एवर वे यू कैन ईजिली स्टिक द ग्लिटर्स ऑन योर आईज। तो अगर मैं शेड्स की बात करूँ तो आप देख सकते हो वेराइटी ऑफ शेड्स आपके सामने है। आपके पास येलो है, आपके पास पीच है, आपके पास ग्रीन है, देन आपके पास ब्लू है, देन आपके पास ये बॉन्ड ऑरेंज है एंड रेड के भी कुछ शेड्स आपको मिल जाएंगे, गोल्डन है। एवरीथिंग अ ब्राइड नीड, अ पर्सन हु इज जस्ट स्टार्टिंग द मेकअप नीड्स, तो आपको यहाँ पे सारे नीड्स फुलफिल ही हो जाते हैं। अभी मैं आपको एक बार स्वेचेस दिखा देती हूँ ताकि यू नो हाउ द कलर लुक्स। अगर मैं इसको फिंगर से ग्लाइड करूंगी तो आप देख सकते हो कलर्स कुछ इस तरीके से दिख रहा है एंड लाइक दिस। मैंने बहुत ही हल्के हाथ से इसको लिया है एंड यू कैन सी द कलर्स आर वेरी गुड। यहाँ पे आपको क्रीज कलर भी मिलता है, लाइक दिस वन, दिस गैम्बोज एंड देन दिस पीच कलर। इसमें कलर शेड्स के नेम्स प्रिंटेड है सो दैट यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि कौन सा कलर आप यूज़ कर रहे हो। यू कैन सी कलर्स को देख के कि मैंने कितना ज़्यादा यूज़ कर लिया है इसको। तो इसमें सारे शेड्स के स्वेचेस तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, बट आई कैन श्योरली गारंटी यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट आफ्टर बाइंग इट। तो मैं पहले आपको ग्लिटर शेड का स्वेचेस दिखाती हूँ, लाइक आई टेक दिस कलर एंड आप देख सकते हो ये हैंड्स में कितने सुंदर तरीके से स्टिक हो गया है एंड ये कुछ इस तरीके का है। लाइक मैंने बहुत ही कम लिया है बिकॉज आई एक्चुअली डोंट वांट टू वेस्ट इट। मैं इस गोल्डन शेड का भी आपको एक बार स्वेचेस दिखा देती हूँ, लाइक दिस यू कैन सी एंड ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है।
ये एक्चुअली हैंड स्वेचेस में इतने अच्छे से पता नहीं चलता, बट अगर आप में आईलेट्स पे लगाओगे तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से स्टिक होता है, प्लस ये आपकी आईज के अराउंड फैलता नहीं है। सो ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें कि एकदम डिस्ट्रॉय नहीं करता है आपके आई मेकअप को। रिमूव भी करूंगी तो ये झड़ने वाला नहीं है, लाइक बहुत सारे आई शेडोज होते हैं जो झड़ जाते हैं और आपके पूरे फेस में ग्लिटर ग्लिटर दिखता है, सो ये उस तरह का नहीं है। ये बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाता है एंड उसके बाद आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो। को इसको आईज में लगा के अगर दिखा सकूँ तो डेफिनेटली थोड़ा सा आई विल ट्राई इसी के ऊपर, जोकर जैसा लगेगा बट स्टिल आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये स्टिक हो गया है आईज में एंड डेफिनेटली इसका शाइन वगैरह सब बहुत अच्छे से दिख रहा है। आईज में ये बहुत अच्छे से विजिबल होता है एंड इसका जो टेक्स्चर है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर है एंड बहुत अच्छे से स्टिक होता है, ग्लाइड होता है। यू कैन सी लाइक मैंने अपने आईज में आपको अप्लाई करके दिखा दिया एंड इट इज नॉट गिविंग एनी फॉल आउट विच इज द बेस्ट थिंग। एंड देन उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला शिमरी शेड्स का कुछ स्वैचेस, लाइक मैं ये एमरल्ड शेड लेती हूँ एंड देन आई विल टेक दिस पैस एंड देन ये रूबी, ठीक। सो ये थ्री शेड्स है जो मैंने अपने फिंगर्स में लिया है एंड इसका अगर मैं हैंड स्वैचेस दिखाऊंगी तो इट इज लाइक दिस। नाउ हैंड स्वैचेस में अगेन इतना ज्यादा पता नहीं चलता है क्योंकि जो शिमरी शेड्स होते हैं ना वो आईज में ज्यादा अच्छे से पता चलता है और वो आईज में बहुत अच्छे से स्टिक होता है, तो टेक माई वर्ड्स, ये आईज में बहुत अच्छे से स्टिक होता है एंड यू आर गोइंग टू जस्ट लव इट। उसमें कुछ मैट शेड्स है जिनका स्वैचेस मैं आपको दिखाऊंगी लाइक दिस एंड ये फोर शेड्स है और ये कुछ इस तरीके का है। मैंने बहुत ही ज्यादा कम प्रोडक्ट लिया है और उसको हैंड स्वैचेस आपको दिखाया है एंड नन ऑफ द शेड्स आर चौकी, लाइक दे आर वेरी क्रीमी, वेरी गुड टू ग्लाइड एंड वेरी गुड टू वर्क विथ आई शेडो ब्रशेज एंड यू कैन स्टिल सी नो फॉल्स एंड इट हैज स्टक्ड वेरी गुड, ठीक है। इसमें मैं एक शिमरी शेड को भी आपको आईज में लगा के दिखाती हूँ हाउ इट इज विल एबल टू जज आई थिंक, यस सी ग्लिटर है यहाँ पे, शिमरी शेड है, सारे शेड्स आईज पे है। Definitely I am loving it, I am liking it. इसका प्राइस मैं यहीं कहीं पे मेंशन कर दूंगी सो दैट यू नो द एग्जैक्ट प्राइस। अगर थोड़ा सा प्राइजी लग रहा है आपको स्टिल इट इज वर्थ इट क्योंकि थोड़ा ज्यादा पैसा देके अगर आपको चीज अच्छी मिलती है तो डेफिनेटली इट गिव्स अ सैटिस्फैक्शन। मैंने इसको लिया था कफ्स एंड लैशेस से, ये बहुत जगह अवेलेबल है लाइक इंस्टाग्राम स्टोर्स में भी अवेलेबल है एंड फ्लिपकार्ट अमेजन में भी आई थिंक अवेलेबल है, तो कुछ डिस्काउंट मुझे मिला था तो मुझे ये 1000 समथिंग का पड़ा था विच आई थिंक इज वर्थ इट बिकॉज 40 शेड्स आपको मिलता है, वेराइटी ऑफ शेड्स मिलता है, थ्री शेड्स मिलता है, एवरीथिंग यू गेट इन टू वन पैलेट, सो पैलेट विच हैज गॉट एवरी कलर विच हैज गॉट ऑल योर सोल्यूशन फॉर योर आई मेकअप, देन दिस इज द पैलेट यू कैन होल्ड ऑन। इसमें एक चीज मेंशन है कि इट इज मेड इन चाइना लिखा है, सो दिस इज नॉट एन इंडियन प्रोडक्ट विच आई वॉन्टेड टू मेंशन यू। एक्सपायरी वगैरह नथिंग इज मेंशन। आई होप दिस रिव्यू वॉज यूजफुल and you got clear about everything. If you have any query please leave a comment so that I can help you or you can help me, either ways we can do the things. So, video अच्छा लगे तो please share it with your friends and family and see you soon in another video. Bye bye, take care.